अक्सर बरसात या तेज धूप में इस्तेमाल किए जाने वाले छाते की भी अजब कहानी है। 400 साल पहले पश्चिमी देशों में छाते के चलन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक समय तक यह सिर्फ स्त्रियों के लिए ना सिर्फ आवश्यक माना गया बल्कि नारी की पहचान भी छाते से ही की जाने लगी थी। लेकिन 16वीं सदी में पर्सिया यानी कि फारसी लेखक व यात्री जोनास हेनवे ने इसे पर्सनैलिटी व जेंटलमैन की पहचान बना दिया। आज हम आपको मानव जाति के विकास की पहचान में सुमार एक ऐसी खोज के बारे में बता रहे हैं जो शायद अब इतना महत्वपूर्ण भले ही न हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब छाते से ही लोगों के सज्जनता की पहचान की जाती थी। शायद यही कारण है कि छोटे से यंत्र की महत्ता ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि 10 फरवरी को पूरे विश्व में अम्ब्रेला डे की पहचान दे दी गई। आप भी जानें अपने घर के कोने में रखे छाते का इतिहास कि 4000 वर्षों से कैसे छाता दुनिया भर में लोगों की जरूरत के सम्मान का कारक साबित हुआ। लैटिन मूल के शब्द अम्ब्रा का शाब्दिक अर्थ छाया होता है, और ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने इस छत की खोज की बल्कि 4000 से अधिक वर्ष पहले इसकी खोज की जा चुकी थी। चीन, भारत, इजिप्ट, ग्रीस जैसे देशों में तो कई प्रागैतिहासिक कालों में छाते के उपयोग का उल्लेख भी है। कई सौ वर्षों तक केवल धूप से बचाव के उपयोग में आने वाले छाते को नई ऊंचाई चाइना ने दी। चीनी खोजकर्ताओं ने केवल धूप से बचाव के लिए उपयोगी छाते पर वैक्स व वाटर रेसिस्टेंट पेपर के उपयोग से इसे वर्षा काल में पानी से बचाव का प्रमुख साधन बना दिया और छाते को नए युग की ओर बढ़ाया। 16वीं सदी तक छाता सिर्फ नारी की पहचान व उनके उपयोग की वस्तु थी, लेकिन फारसी यात्री जोनास हेनवे ने इंग्लैंड आकर 30 वर्षों तक अपने साथ छाता रखकर इसका सार्वजनिक उपयोग किया। जोनास एक साधन संपन्न एवं धनी व्यापारी था। जोनास छाते के उपयोग एवं इसकी महत्ता से भली भांति परिचित था। सन 1750 की शुरुआत में जोनास ने तय किया कि वह रोज अपने छाते को लेकर घूमने निकलेगा। इस तरह से यह लोगों में एक छाते की आवश्यकता का प्रचार आसानी से कर सकता था। उसने फैशन से भरी लंदन की सड़कों एवं गलियों में अपने छाते को साथ लेकर घूमना शुरू किया। बरसात हो चाहे धूप हो, जोनास हरदम अपना छाता साथ लिए रहता था। राह में कई लोग उसका उपहास भी करते, पर जोनास ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। अगले 30 सालों तक जोनास प्रतिदिन अपने छाते के साथ घूमता रहा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ लोगों को एक छाते की उपयोगिता समझ में आने लगी। फिर क्या था, छाते को लोगों ने फैशन में शामिल किया। और तो और 17वीं सदी तक हाथ में छाता और सिर में हैट का ऐसा चलन चला कि लोगों के सज्जनता की पहचान इससे होने लगी। छाते की लोकप्रियता देश दुनिया में इतनी बढ़ी कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुनिया की पहली छाते की दुकान इंग्लैंड के लंदन शहर में ऑक्सफोर्ड गली पर खुली। जेम्स स्मिथ एंड सन्स के नाम से खुली उस समय तक की इस इकलौती दुकान के बाद दुनिया भर में लोग छाता उद्योग की ओर बढ़ने लगे। आधुनिक काल में भले ही अब रेनकोट ने वर्षा से बचाव के लिए छाते के स्थान को ले लिया हो, लेकिन अब भी इसकी उपलब्धि कुछ कम नहीं है। एक वित्तीय सर्वे के अनुसार केवल भारतवर्ष में हर वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार विंटर वियर उद्योग का है, जिसमें छाते का निर्माण एवं उपयोग पर 60% कमाई होती है। बाजार विशेषज्ञों की माने छाते का चलन अब भी है और डिमांड भी मार्केट में बराबर बनी हुई है, बल्कि मॉडर्न युग में छाते भी तरंगी रंगों में आकर्षक रूप ले चुके हैं। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले।